सारा दिन मैं स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ और हर कोई ये बोलता है, सर हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, हम अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, हम अपने आप को और ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा पढ़ने के लिए कैसे जो है मोटिवेट करें। तो आज मैं आपको उसका एक आंसर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शन का एक ये मेन पार्ट है जिसको मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप लोग ये मन बना लीजिए कि पूरी ऑडियो आप जो है वो सुनने वाले हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप जो है पूरी देखने वाले हैं, राइट। और आराम से बैठ के इसके बारे में सोचिएगा। एक ऐसी चीज़ जो आप लोगों को नहीं पता है, वो पता है क्या है? अपने बारे में आपको नहीं पता है। यस, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में जानते हैं कि वो एक्चुअली में कौन है, वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो एक्चुअली में अपना दिन कैसे बिताते हैं। और हो क्या रहा है, देखो बिता हर कोई रहा है, लेकिन वो बस बिताते जा रहा है, वो अपने आप को, नाउ द कीवर्ड, वो अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना। यू हैव टू सिट, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। आपने पूरे दिन क्या किया, आपने क्या प्लानिंग की थी, आपका समय कहाँ वेस्ट हुआ, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, इस बारे में लिखना, अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। कोई और आपको कभी भी सुधार ही नहीं सकता, कोई और सिर्फ आपको आइडियाज दे सकता है, और आइडियाज विदाउट एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू जीरो। सो प्लीज ध्यान में रखिए इस बात को कि यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ फॉर वन डे, देन वन वीक, देन मे बी अ फोर्टनाइट, एंड देन यू विल नो कि आप कहां पे लैक कर रहे हो, क्यों लैक कर रहे हो, कहां पे और क्यों, दोनों पता चलेगा, राइट, वेयर एंड व्हाई। एंड जब आपके पास इन दोनों चीजों के आंसर होंगे, वेयर एंड व्हाई, बिलीव मी यू विल ट्राई योर बेस्ट टू चेंज योरसेल्फ। बहुत बार, बहुत वेबिनार्स, सेमिनार्स, बहुत सारे जगहों पे जाके मैंने लाइन बोली है और आज ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, अवेयरनेस प्रिसीड्स चेंज। चेंज से पहले अवेयरनेस जरूरी है, कम ऑन, चेंज से पहले अवेयरनेस जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं है आप बदल नहीं पाएंगे, बिलीव मी, अगर अवेयरनेस नहीं आप बदल नहीं पाएंगे। और अवेयरनेस कैसे आएगी, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो अपने आप को प्लीज बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और उसके बाद जो है आपको पता चलेगा आप कहाँ लैक करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। हम लोग पढ़ते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना है, अरे तो अपना तो स्वॉट एनालिसिस कर ले भाई और बहन, एज द केस में भी अपना तो स्वॉट एनालिसिस करो। और एक बार जब अपना शॉर्ट एनालिसिस आप करोगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अपने बारे में, आपको किसी की मोटिवेशनल टिप की, मोटिवेशनल आइडियाज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नो कि ओके, दिस इज वेयर आई एम लैकिंग एंड मुझे इसको बस जो है वो इम्प्रूव करना है। ओके, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि आपने अपने कभी, क्या आपने अपने आप को कभी सेल्फ ऑब्जर्व किया है? मैं सारी चीज़ें जानना चाहूँगा आपकी, और आप मुझे अगर बताएंगे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा किसी वीडियो में, अगर समय मिला तो मैं आपके डाउट्स को भी टेकअप कर लूँ, राइट। उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोगों ने रिफ्लेक्शन से कुछ सीखा, तो इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है ना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाना, राइट। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, या फिर सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।